आज वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सा स्टॉक फंडामेंटल्स पर रेकमेंड करना चाहिए। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा पिक रहेगा वीआईपी सेगमेंट में जोमैटो लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹330 एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ शॉर्ट टू मीडियम टर्म। बेसिकली कंपनी एक कंज्यूमर सेगमेंट को बिलोंग करती है और एट द सेम टाइम इट्स अ काइंड ऑफ न्यू एज टेक कंपनी जो कि जिनका फोकस है फूड डिलीवरी पर, क्विक कॉमर्स पर, B2B सेगमेंट और जो डाइनिंग आउट और टिकटिंग बिजनेस है उसके ऊपर लेकर के जो दो बड़े कारोबार है फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स, दोनों ही सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी फर्स्ट क्वार्टर में। और एट द सेम टाइम जो बचे हुए 9 महीने हैं FY25 के, वहाँ भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी एक रोबस्ट ग्रोथ हम देखेंगे। फूड डिलीवरी में अगर मैं बात करता हूँ तो जियो भी, जिसे क्रॉस ऑर्डर वैल्यू हम कहते हैं, 20% से बढ़ने की उम्मीद करते हैं हम। और जो ग्रोसरी बिजनेस है, क्विक कॉमर्स बिजनेस है, वहाँ हम देखेंगे कि ब्लिंकिट का जो स्टोर काउंट है जो करंटली 640 है, वहाँ से एक्सपेंड होकर के 1000 स्टोर होगा FY25 के एंड में और 2000 हो जाएगा FY26 के एंड में। और जो रिसेंट एक्विजिशन हुआ है पेटीएम का टिक मूवी टिकटिंग बिजनेस का, उसकी भी सिनर्जी हम आगे अगले 2 से 3 साल में बिल्डअप होते हुए देखेंगे। एट द सेम टाइम अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करूँ, जो स्विगी का जो IPO प्लान हो रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दैट कैन अगेन क्रिएट अ पॉजिटिव नैरेटिव इन दिस एंटायर स्पेस, और इसी के चलते शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में जोमैटो ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, तो जोमैटो पर खरीदारी की राय पेटीएम के साथ जो एक्विजिशन किया है उसके चलते भी नजरिया काफी पॉजिटिव है। ₹330 प्रति शेयर का लक्ष्य। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑटो कंपनियों पर भी नजर डाल लेते हैं। बजाज ऑटो निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब 4.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। और इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक भी आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। याद रखिये आज शाम को कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं FAME III को लेकर, जिसके चलते सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड ऑटो स्टॉक्स में आज एक्शन दिख रहा है। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो हीरो मोटो बजाज ऑटो पर ही राय दीजिए, इसी के साथ हीरो मोटोकॉर्प पर भी अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल, आज आई थिंक वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है, बुलिश टेक्सचर है, वही कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख रहे हैं। बजाज ऑटो का अगर हम बात करें तो हायर आए हायर लोस मेंटेन हो रहे फॉर्मेशन। अगर आज का हम इंट्राडे में देखते हैं तो 11250 और 11175 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। स्टॉक रेंज से बाहर निकल चुका है, आई थिंक वही मोमेंटम अगर स्टॉक को कंटिन्यू करना है तो मुझे लगता है कि 11175 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर आई थिंक ये स्टॉक रहता है तो ये जो बुलिश फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रह सकता है। हीरो मोटो का अगर हम बात करेंगे तो हीरो मोटो एक रैली के बाद कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल। अभी 2 दिन से स्टॉक में थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिला है, एक रेंज से बाहर निकलना चाहिए और वो ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस रहेगा। जो रेंज का जो एक रेजिस्टेंस है वो 5850 का रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो एक नए टेरिटरी में एंटर हो सकता है और फिर एक फ्रेश अपट्रेंड रैली यहाँ से आने के चांसेस फिलहाल तो दिख रहे हैं। अगर हम सपोर्ट्स का बात करते हैं तो 5600 और 5600 और 5550 ये दो सपोर्ट्स लेवल निकल के आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म टेक्सचर बता रहे हैं कि आने वाले दिन कुछ दिनों में ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया ऑटो काउंटर्स पे, हीरो मोटो और बाकी स्टॉक्स पे। चलिए अब जरा बात करते हैं आईटी सेक्टर की। जिस तरह का मोमेंटम पिछले दिनों नजर आया है वो एक तरह से देख सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड